हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे इसरो की तरफ से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। यहाँ पे बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी सरकारी नौकरी यहाँ पे रहने वाली है और YouTube पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ इसी बात पे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो। ये आपकी सरकारी नौकरी रहेगी, मतलब कि परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी उसके बारे में। देखिए यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर का पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे स्टोर कीपर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर अगर आपने यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है या फिर अगर आपने डिग्री कर रखा है आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी यहाँ पे फ्रेशर के लिए निकाली गई है, इसके अंदर आपके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर हैं बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। अप्लीकेशन फ़ीस भी आपका 200 रुपये के अंदर ही रहने वाला है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप OBC कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो 200 रुपये के अंदर ही आपका अप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। साथ ही साथ अगर आप SST कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप यहाँ पे PH कैटेगरी में आते हैं तो आपका ये 0 रुपये रहेगा, आपको यहाँ पे 1 रुपया भी पे नहीं करना। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे डायरेक्टली आपका एग्जाम होगा, CBT एग्जाम होगा, उसका मैं आपको पेपर का पैटर्न भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कितना नेगेटिव मार्किंग रहेगा सब कुछ बताऊंगा। बस आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक बड़े अच्छे से देखना है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती तो अप्लाई जरूर कर देना, सरकारी नौकरी लगने का एक बहुत ही अच्छा आपके पास एक मौका देखने को मिलेगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट रहेगा आपका 1200+ आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना, और अभी आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं वो जरूर से बता देना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही जॉब प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि आप कमेंट करके बताओगे। क्योंकि मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ता रहता हूं और जब तक आप कमेंट करोगे नहीं तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा, इसीलिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वैसे आपको ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बेसिकली एक शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है, इसका फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे 22 अप्रैल 2023 को यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। अगर आप में से किसी को भी अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो निकाला गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। विक्रम साराभाई भवन की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यहाँ पे कार्य करता है, इसरो के साथ ही वर्क करता है, इसरो की ही कंपनी आपको ये देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर को जारी कर दिया जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको 2 टाइप का पोजीशन देखने को मिलेगा, पहला जो पोजीशन यहाँ पे निकाला गया है जूनियर परचेज असिस्टेंट का पोजीशन रहेगा, और दूसरा रहेगा जूनियर स्टोर कीपर का पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका रहेगा यहाँ पे DPS के अंदर आपको ये पोजीशन देखने को मिल जाएगा। जॉब लोकेशन जॉब की रहेगी यहाँ पे मुंबई का रहेगा, एंड यहाँ पे DPS की ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिट है वहाँ पे आपको ये जॉब लोकेशन देखने को मिल जाता है। और ये टेक्निकल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा और डिग्री यहाँ पे मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन देखने को मिलेगी, कितनी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट मेंशन किया है,
जिसमें इन्होंने बता रखा है कि आपका पोजीशन क्या रहेगा और कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। दो टाइप की पोजीशन रहेगी, जूनियर परचेज असिस्टेंट का पोजीशन रहेगा, जूनियर स्टोर कीपर का पोजीशन रहेगा। बेसिकली ये ग्रुप सी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, सैलरी आपका बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट आपका यहाँ पर सैलरी रहने वाला है। नॉन गेजेटेड ये पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में अगर बात की जाए, एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 23 वैकेंसी निकाली गई है, एसटी के अंदर यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकाली गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूआर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 8 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पे 22 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 65 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में देख पा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 22 अप्रैल 2023 को, इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे 15 मई 2023 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो एज लिमिट जो आपका रहेगा 18 साल से लेकर 27 साल तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा और जो आपका एज काउंट होगा 15/5/2023 तक आपका ये एज काउंट यहां पे होने वाला है। एज रिलैक्सेशन के अंदर अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 3 साल का, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का, और अगर आप यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको 10 साल का, जनरल में ओबीसी में है तो 13 साल का, और एससी एसटी कैटेगरी में है तो आपको 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएससी कर रखा है साइंस से, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स से किया हो या फिर अगर आपने बायो से किया हो आप एलिजिबल रहेंगे, लेकिन आपके 60% होने जरूरी है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। 60% से अगर कम है अप्लाई नहीं कर सकते, 60% है और 60% से ज्यादा है आप आराम से एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम कर रखा है 60% के साथ तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल ब्रांच के अंदर, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 60% यहाँ पे आपके होने जरूरी है। यहाँ पे वैकेंसी का यहाँ पे मेंशन कर दिया है जो कि आप देख पा रहे हैं, ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा, इसके अंदर आपके 2 एग्जाम रहेंगे, टायर फर्स्ट रहेगा और टायर सेकंड रहेगा। टायर फर्स्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम रहेगा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मतलब कि ये आपको क्वालिफाई करना है, बस आपको क्वालिफाई करना है। देन फिर जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका फाइनली यहाँ पे रिटन एग्जाम रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जैसे कि एसएससी जेई का जो टायर 2 रहता है वैसा यहाँ पे एग्जाम, आपका पेपर पैटर्न सेम टू सेम वैसा ही आपको देखने को मिल जाता है। ये इसी मार्क्स के बेसिस पे आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा और मेरिट लिस्ट बनेगी टायर 2 के बेस पे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन फिर आपका छोटा सा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फाइनली आपको ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। पेपर का पैटर्न यहाँ पे रीजनिंग रहेगा, ठीक है, और आपका क्वांट आएगा, आपका जनरल नॉलेज आएगा और कंप्यूटर नॉलेज आएगा जो कि आपका 200 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपका 2 घंटे का समय यहाँ पे आपका रहने वाला है। साथ ही साथ आपका इंग्लिश आएगा जो कि आपका 100 नंबर का रहेगा, इसमें आपको यहाँ पे 3 घंटे का समय मिलेगा, टोटल यहाँ पे 5 घंटे का समय आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपका सैलरी क्या रहेगा उसके बारे में। तो यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा लेवल 4 का रहेगा, इसके अंदर 25,500 रुपये आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, देन फिर आपका 35,000, उसके बाद आपका 65,000, उसके बाद 1,40,000 रुपये तक मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसको ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल है, यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात की जाए तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी में आती है, या फिर अगर आप एसएससी कैंडिडेट हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको यहां पे 1 रुपया पे नहीं करना, ये फॉर्म आपके लिए फ्री का रहेगा। वहीं अगर आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, इन कैटेगरी के अंदर अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसको आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, किसी के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट को मेंशन कर दिया है, अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे 22 अप्रैल को। अगर आप में से किसी को अप्लाई वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना
बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा इसका अप्लाई का प्रोसेस बता दूंगा। और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, अप्लाई जरूर कर देना, बहुत कम बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं। लास्ट डेट जो इसका रहेगा वो आपका रहेगा 15 मई 2023, इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो एग्जाम रहेगा वो आपका सेप्टेम्बर के महीने के अंदर इसका एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही जॉब प्रोवाइड करवा सकूं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।